we were discussing something due to some error. So third point is that as I told you that it has discarded themselves from overemphasizing whether on command theory or historical school of jurisprudence. Sociological jurists, however, differ in their approach to the perception of law. Some prefer to adopt a pragmatic empirical recourse to study the functional aspect of law, while others emphasize on defining law in terms of court's ruling and decision, thus adopting a realistic approach of law. So this is sociological in general. What is sociological school of law? Now, who are the important main exponent of sociological school of law? So main exponent of sociological school of law is Rudolf Ehring, Eugen Ehrlich and Leon Dugoit and Roscoe Pound. तो ये आपके इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट है जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो अभी टुडे वील डिस्कस, लेट्स डिस्कस रुडोल्फ वॉन आयरिंग. ठीक है. सो रुडोल्फ वॉन आयरिंग जो थे वो बर्लिन यानी जर्मनी में पढ़ाई लिखाई उनकी हुई थी. उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क था वो था स्पिरिट ऑफ लॉ, जो 4 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था 1852 to 1865 तक. और नेक्स्ट जो उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क था वो था लॉ एज मीन्स टू एन एंड. ठीक है. बेसिकली व्हाट वाज द आयरिंग व्यू? आयरिंग एक्चुअली टोटली अपोज द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिविजुअलिज्म. आयरिंग ने इंडिविजुअलिज्म की जो डॉक्ट्रिन थी उसको टोटली अपोज की थी, विच इन हिज व्यू वॉज इनकम्पैटिबल टू द कॉज ऑफ सोशल जस्टिस. क्योंकि जब हम इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं तो हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं. जहां हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं वहां हम सोसाइटी के इंटरेस्ट को ताक पे रख देते हैं, तो सोशल जस्टिस प्रिवेल नहीं कर पाता है. इसलिए इन्होंने इंडिविजुअलिज्म को टोटली डिस्कार्ड किया. किसने? आयरिंग ने. आयरिंग ओपाइंड दैट सोशल इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी मस्ट गेन प्रायोरिटी ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफकोर्स, एंड द पर्पज ऑफ लॉ शुड बी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. जैसा कि बहुत बार डिस्कशन किया है हमने कि जो लॉ का पर्पज होता है वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है. अब इन्होंने क्या किया, जो इंडिविजुअलिज्म थी उसको वीकनेस को डिफाइन करने के लिए कुछ कहा था, वो मैं आपको बताती हूं. दैट ही कंडेम्ड इंडिविजुअलिज्म बाय सेइंग इट एज बीइंग एंटी सोशल एंड इनकम्पैटिबल टू द क्लेम्स ऑफ सोशल जस्टिस. दस ही वॉज अ ग्रेट क्रिटिक ऑफ ऑस्टीनियन. अब जब हम इंडिविजुअलिज्म की बात करेंगे तो ऑस्टीनियन का जिक्र जरूर आएगा. ऑस्टीनियन पॉजिटिविज्म की टोटली अगेंस्ट थे आपके आयरिंग. बेंथमाइट इंडिविजुअलिज्म के भी टोटली अगेंस्ट थे. एंड हर्बर्ट स्पेंसर एक थिंकर हैं जिन्होंने बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन दी थी, उनके भी तो पूरे अगेंस्ट थे. तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो आयरिंग की फिलॉसफी थी इट इज बेसिकली नोन एज ज्यूरिसप्रूडेंस ऑफ इंटरेस्ट, राइट? बिकॉज ही हैज गिवन एम्फोसिस ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी. ठीक है. अब हम देखते हैं आयरिंग की थ्योरी को 4 पार्ट में डिवाइड करके कि किस तरीके से द मेन टेनेंट्स ऑफ आयरिंग ज्यूरिसप्रूडेंस ऑफ इंटरेस्ट को कैसे हम डिफाइन करेंगे. तो लॉ इज रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल. आयरिंग ने फर्स्ट पॉइंट में कहा कि जो लॉ है वो कॉन्स्टेंट स्ट्रगल का रिजल्ट है. आयरिंग पॉइंटेड आउट दैट ओरिजिन ऑफ लॉ इज टू बी फाउंड इन सोशल स्ट्रगल. ठीक है. ही एक्सेप्टेड दैट रोल ऑफ लॉ इज टू हार्मोनाइज कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल. He rejected the philosophical view that law evolves spontaneously like language, and thus he gave importance to living law. So what was the main focus of Ehring was, first of all, jurisprudence of interest, secondary theory of living law. So उन्होंने कहा कि जो लॉ है वो एक कॉन्स्टेंट स्ट्रगल के थ्रू बना हुआ है जिसका मेन काम होता है टू रिकनसाइलिंग कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी. अब सेकंड पॉइंट इन्होंने कहा कि लॉ इज टू सर्व अ सोशल पर्पस.
सो आई डिंट कंसिडर लॉ एज अ मीन्स टू एन एंड, जैसा कि अपनी बुक में भी उन्होंने बोला है, द अल्टीमेट एंड ऑफ लॉ इज टू सोशल पर्पज. तो लॉ का अल्टीमेट एंड जो होना चाहिए वो टू सर्व द सोशल पर्पज एंड नॉट द इंडिविजुअल पर्पज और इंटरेस्ट. ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रमोट सोशल इंटरेस्ट बाय अवॉइडिंग अ क्लैश बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोशल इंटरेस्ट. For him, law is a coercion organized in a set form by the state. उसके लिए law एक क्या है, coercion है, जो कि एक set form में organize किया जाता है. किसके द्वारा? State के द्वारा. Next, law alone is not a means to control the society. Very true. Haring made it clear that law alone was not the means to control the social organism. There are some other conditions such as climate, topography, etc. wherein law need not intervene. जहां पे law के of course intervene की कोई जरूरत नहीं होती है. However, कुछ life का aspect होता है जहां पे law की जरूरत होती है, जैसे कि जब हम taxes की बात करते हैं, जब हम tax control करने की बात करते हैं, जब हम revenue generate करने की बात करते हैं, तो ये सारे जो matters होते हैं इनमें law एक important role play करता है. बेंथम की तरह आयरिंग ने भी जो पेन, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को पेन और प्लेजर में डिफाइन किया. ठीक है, तो मैक्सिमम टू प्रोटेक्ट मैक्सिमम इंटरेस्ट का मतलब हो गया टू प्रोवाइड मैक्सिमम प्लेजर. इसलिए आयरिंग की जो थ्योरी है उसको हम कहते हैं सोशल यूटिलिटेरियनिज्म, क्योंकि बेंथम की थ्योरी को हम यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी कहते हैं. इसलिए क्योंकि ये सोशल सोशियोलॉजिकल स्कूल है, ये सोशल इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो इसलिए आयरिंग की थ्योरी को हम कहते हैं सोशल यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी. ही कंसीडर्स पनिशमेंट एज अ मींस टू अ सोशल एंड. ही इज अपोज टू रिट्रीब्यूटिव पेनल पॉलिसी. ठीक है, तो उनका पनिशमेंट है कि एक सोसाइटी में एक सोशल एंड के लिए पाने के लिए, बट वो फेवर नहीं करते थे जो पेनल प्रोविजन होते हैं उनको. तो जो फ्राइडमैन थे उन्होंने जो आयरिंग को बोला था फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल ज्यूरिसप्रूडेंस.